नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना है। शाम 5 बजे मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस समय की, बीजेपी के 16 मंत्री जबकि जेडीयू कोटे से 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जेडीयू बड़ी पार्टी है, उनकी ज्यादा सीट से, इसलिए उनके 19 मंत्री होंगे और बीजेपी के 16 मंत्री शपथ लेंगे। एक फॉर्मूला तय कर लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कितने पुराने चेहरे और कितने नए चेहरे शामिल होंगे। सदस्य संख्या के आधार पर जो मंत्रियों की संख्या का बंटवारा है उसमें 16 मंत्री एनडीए के होंगे और 19 मंत्री होंगे जदयू के, लेकिन सभी सीटों को आज ही भर देंगे ऐसा नहीं तय किया हम लोगों ने। अब कितने मंत्री बनेंगे ये अभी फाइनल होगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए लोगों को प्राथमिकता देती है और पुराने को भी जोर के रखती है, तो नए पुराने का बढ़िया समीकरण बनेगा। नए पुराने दोनों रहेंगे गठबंधन में, सरकार में, और नए लोगों को विशेष प्राथमिकता देंगे। हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा हमसे जुड़ रहे हैं। आशीष, 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह है, 19 जेडीयू से, 16 बीजेपी से, ये सब कुछ हमें पता है। आप ये बताइए कि जेडीयू से पुराने कितने चेहरे हो सकते हैं और नए कौन लोग शामिल हो सकते हैं। दूसरा सवाल, होम जो है वो पिछली बार मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा था, इस बार क्या स्टेटस होने जा रहा है? देखिए, अगर सूत्रों की माने तो जीजू कोटे से जो पुराने मंत्री हैं उनमें विजेंद्र यादव, स्वर्ण कुमार, ललन सिंह, जय कुमार सिंह, ईसी सिंह, खुर्शी डैमर और कृष्णानंद वर्मा का नाम सामने आ रहा है। और भाजपा कोटे से अगर हम बात करें तो पुराने नाम थे उसमें सुशील मोदी के अलावा नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, विनोद नारायण झा, अवधेश नारायण सिंह और रजनीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। इसमें जो एक नया नाम है वो मंगल पांडे का नाम है। मंगल पांडे एमएलसी थे, पिछली बार जब एनडीए के साथ जेडीयू की सरकार बनी थी, बीजेपी के साथ सरकार बनी थी, तो उसमें कुछ पुराने नाम थे जैसे नंदकिशोर यादव हो गए, प्रेम कुमार हो गए, लेकिन मंगल पांडे एक ऐसे नए नाम है। नित्यानंद जी जब मीटिंग से निकले तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पुराने और नए लोगों का एक हम समीकरण तैयार करेंगे, यानी युवा भी होंगे और अनुभवी लोग भी होंगे, देंगे। जी आशीष, बिल्कुल, जब 5 बजे शपथ ग्रहण होगी ये पिटारा तभी खुलेगा और तभी सच सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन।